हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इसको स्किप मत करना, थोड़ा सा भी नहीं, एंड कहीं जाना मत, वीडियो को एंड तक देखना। तो ये मेरे स्टाइलर पबजी खेल रहे हैं, तो अब हम लोग दोनों मिल के बाल अपना काटेंगे, पहले मेरा, उसके बाद पता नहीं कौन। तो वीडियो को देखना एंड स्किप मत करना, वीडियो फुल देखना। तो गाइस, मैं अब सीट पे बैठ गया हूँ एंड ये भाई साहब पूरा दिन खाने खाते हैं, ठीक है। तो खैनी खाने के बाद मेरा हेयर स्टाइल आज चेंज होने वाला है पूरी तरह से।
We gotta party for a lifetime. Oh, no, we ain't stopping for this.
mind you can't control. Running wild, can't calm down. My head is in the clouds. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. No, we don't care about the bad nights. For a second I can feel like this. Make me feel like this. Feel like this.
गाइस बाल कट के रेडी एंड मैं भी अब उठ गया हूँ, अब जा रहा हूँ घर। और ये फिर से खैनी खाने लगे, पूरा दिन खैनी खैनी। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ बहुत सड़क है इसीलिए आवाज़ आ रही है। तो चलते हैं अब घर, घर में देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर एंड ये पीछे में मेरा मित्र भी मिल गया। मैं इसका मित्र नहीं हूँ, झूठ बोल रहा। चला जा। भैया आपका घर कहाँ हुआ, क्या नाम है? मेरा घर रजौड़ा। नाम क्या है आपका? सुशांत। और कुछ? रजौड़ा में कहाँ पे घर है? मेरे जमीन पे। अरे ऊपर नहीं कटाता हूँ मैं। अरे कितने में तेरा बाल काटा? फ्री में। ये देखो यहाँ गड्ढे, कोई रात में घूम जाएंगे तो फिर ये भी लफड़ा ही होगा। ये वहाँ देखो, वहाँ भोज है। चलो गाइस यहाँ भोज हो रहा, चलो खाने पर टूट पड़ते हैं। तो मेरे लवली फ्रेंड्स, मैं अब अपने घर पहुँच गया हूँ। एंड जैसा कि आपको पता है, मेरे घर पहुँचने से पहले मेरा स्टडी रूम आता है। तो ये रहा मेरा रूम एंड ये रहा मेरा साइकिल जो हमेशा मेरे साथ रहता है। और बाल कुछ मेरे हिसाब से तो मैं बाल अच्छा कटाया हूँ, पर मम्मी के हिसाब से पता नहीं। तो जाऊँगा अंदर एंड देखूँगा मम्मी क्या बोलती है। वो ज़रूर गाली ही देगी, उम्मीद तो कुछ अच्छा है नहीं भैया। तो ये गेट है लगा, तो अब पहले बोलूँगा खुलने। खोलो मम्मी, खोल। तो गाइस आ रहे हैं। तो ये दोनों सोई है। तो ये स्माइल करी। दीदी बताओ मेरा बाल कैसा लग रहा है? तेरे बाल कटवाया भी है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो गाइस पूरा मुंह को एकदम क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बाल बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे भी, बट नहीं है छोड़ो। तो पहले फेस वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ। ओ भाई तो गाइस मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया एंड अब चलता हूँ कुछ खाने पीने के लिए। बहुत लग रहा है, जैसा कि आपको पता है ये ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है और इसे बड़ा बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। तो चलते हैं, बाथरूम से निकल गया। तो मैं बाथरूम से निकल गया एंड इसको लगा देता हूँ, सूखेगा। एंड ये दादी इनमें चला फिर से रूम में, ये अभी तक सो रही है। तो भाई साहब हम एक स्वीट्स खाएंगे। तो ये रहा काला काला स्वीट। ओ भाई साहब, तो ये रहा। तुम्हारे पीछे नहीं, मेरी जिंदगी में पीछे मुड़के देखा जाए तो शादी क्यों की इस बात का अफसोस हो रहा है? आई एम सॉरी।
मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर सिर पर आनी चाहिए, देखकर मजा आएगा तुम्हें। रेडी? वो भूत है। क्या हुआ? Let's make it be clean. Oh. Clarity is important. Yeah. Ready? Oh, yes. कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, ये भूत है। Come on, baby, let's take a selfie. Hey, let's take a selfie. Hey, cutie man, so big selfie. See, please. या ये नहीं रही है।
प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी। तो गाइस इसको प्राउड वाली फीलिंग भी आती है। गाइस ऐसा फीलिंग हमको कब आएगा पता है? क्या हो रहा है? क्यों भागा हो? इंसल्ट हो गया, सारा पैसा बर्बाद। देव मिशन में क्या ग्रुप आ रहा है? मुझे लगा अलार्म वाज बिकॉज़ ऑफ एम्बिएंट टेंपरेचर। फ्यूल कनेक्टर हेल्थ वाज 100%। कैसे हुआ? Good evening everyone, I regret to announce that the launch of GSLV Fatboy was unsuccessful. The fuel booster turbo... Alarm ke bawajood launch kyun kiya gaya? Were there any checks and balances? Who was responsible for this? I took the call, decision mera tha. Isliye failure ki zimmedari... Fish ka itna bada nuksan ho gaya aur aap laddu kha rahe hain. Kahan likha laddu par ki nuksan pe khana mana?
जो बैल के साथ स्पेस क्लब के बाहर खड़ा है, इसे अंदर कैसे लाएं? राकेश, राकेश, I'm sorry. अजीब है सर, इतने साल कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला. अब सर टाइम मिला तो ये नहीं पता सोचना क्या है. कंप्लीटली माइंड इज एम्प्टी. आपको क्या लगता है, मेरी शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे बच्चे पैदा कर लेने चाहिए? हॉबी भी नहीं रखी सर, पूरी लाइफ साइंस और स्पेस के चक्कर में चले. नहीं प्रॉब्लम सर, माज है, टाइम पास हो जाएगा. बट थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर. I'm not going to tolerate this. Abhi Jabardast, kya hua? This is all your fault. Kya hai ye? Kitab. Quran hai, Quran. Quran kitab hai na? Kitab padhna mana hai sir mein? Logic. What logic? Just look at him. Ye dadi dekhe inki. Ki ye bhi dikhai nahi dena aapko. Sunil Rana. Excuse me. Hello, hello, hello. I have the right to choose the way I want to live. Huh? You will live the way I want you to live. As long as you're in my house. My house? चलो मैं कम बता लेता तुम कहां से इस्लाम में इतना इंटरेस्ट आ गई. हां यू वोंट गेट इट. ट्राई मी. अरे ट्राई मत करो, उल्टे आते छापड़ मारो ऐसे. सुनी तुम बाहर जाओ, मैं बात करती हूं. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कि नहीं पूछो इनसे. दिलीप तुम जाओ, सब सर पे चढ़े हुए. दीदी कुछ म्यूजिक तो तो गाइस अब मुझे भी फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देख रही है फिल्म, तो मुझे भी फिल्म में रहना पड़ेगा. मास डिपार्टमेंट को किया स्पेशल ट्रीटमेंट मिला. ये कहाँ सोच समझ के डिजाइन किया हुआ ऑफिस को, ताते ही लगता है मास पे आ. मास पे पानी है क्या? है लेकिन थोड़ा ऑक्सीजन है पर कम. यहाँ तो लाइट भी है. हेलो मायसेल्फ राकेश धवन. Nice. कैसा लगता है इस प्लैनेट पे? टाइम यहाँ स्लो मोशन में चलता है. लाइक यू नो व्हाई? क्योंकि मार्स धरती से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा चक्कर लगाता है सूरज का. मतलब 2 साल के अंदर एक बार ही आपका बर्थडे आता है. लिसन लिसन, दिस इज नॉट फेयर. मार्स श्रीराम फर्स्ट तारा चल रही. I'm sorry, sir. This is just not fair. Sorry, sir. Don't be jealous, sir. Just because my Mars mission mein kaam karne ka chance nahi mila, matlab it's not fair. You have to earn it. Earn this. Main aajkal so bhi nahi pa rahi. To takiya badal. Kaise so sakti hu, sir? Jab meri wajah se aap yahan. I can't see one of the finest scientists in the world being destroyed like this. Don't worry about me, just go and do your job. What job? Kaise? GSLV fat boy banao, 2022 tak to tum banai loge. 10-12 saal hai bahut samay. Maximum thode dino ke liye aap log mere gaane ko miss karoge bas. Lekin ISRO ka annual function aa raha hai. Wahan ja do. Aaram se aaiye, aaram se. Bahut time hai bhai. Chaliye. Mami. शक्तिशाली रॉकेट तैयार हो रहा है नासा में 6,000 करोड़ के बजट में. अमेरिका सैटेलाइट मैवेक को सीधा धरती से मंगल ग्रह तक पहुँचा. देखो तुम्हारा बेटा. It's only a little over 50 years ago that we first sent a rocket. को डूबने से बचा नहीं सके, कम से कम अपने बेटे को तो बचा लो.
नमाज पढ़ रहा तुम्हारा बेटा जिंदगी भर का स्पेस पे ही रहना था तो बच्चे की बात आगे बच्चे पैदा किए हैं तो लर्न टू गिव देम स्पेस डैड आई विल स्लैप योर फेस ओके उर्दू में पता है मार्स को क्या बुलाते हैं पहराम शट अप वाह क्या दिमाग है आपका सारी फुगे चल गई मार्स जाने के लिए पहले अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को पार करना पड़ेगा और हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है जो इतना फ्यूल कैरी कर सके जीएसएलवी सक्सेस होता तो मार्स जाने की सोच सकते थे मार्स आज से करीब 6 करोड़ किलोमीटर दूर है अभी से गाइस इसका दिमाग अब खुल रहा है आपको मुझ पे विश्वास करना मुश्किल है पर ट्रस्ट मी सर आखिरी बार राइट में है वो रॉकेट जो हमें मार्स ले जा सकता है इसमें जाएं मेरा राइट सर तभी थोड़ा स्ट्रांग बनाना बेटा चाहे वो पीएसएलवी रॉकेट है वो छोटा बच्चा है चांद तक ही जा सकता है सर आई नो तारा इन केस योर प्रॉब्लम थैंक यू जो हम चौथी कक्षा में पढ़ते थे वो याद दिला देता हूँ ये हम हैं चांद यहाँ है और ये जो मार्स है ये यहाँ इतनी दूर जा सकते हैं सर ओके लेट मी ट्राई अगेन रिक्शा में यहाँ से महात्मा गांधी रोडी जा सकते हैं मेरा रिक्शा कहीं भी जा सकता है सर अगर रिक्शा वाला चाहे तो मार्स चलेंगे भैया
45 एकड़ की जमीन है, एक एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिश भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगे? ऐसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज सत्या, जरा पुलिस को फोन करो। तो तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। आप तो पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? खुद खून नहीं किया, पफूनी का साथ दिया, सच को छुपाने की कोशिश की इसने, आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान को मिटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया। आए थे 4, इसको मिलाकर 5 हो गए। जायदाद मिलने की खुशी में पिए हुए चाय के 5 कप ऐसे ही किचन में पड़े, उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, जानने के लिए कि वो निशान किस किस के हैं। शांता देवी के मरने के बाद वो जायदाद किस किसके नाम रजिस्टर हुई ये पता कीजिए। वहां पहले से ही उस प्लॉट पर उनमें से किसी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा हो। ब्रिलियंट रुद्रा, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम। तो गाइस, वीडियो बनाते बनाते मेरा हाथ दुख गया और आखिर में बंद कर और आखिर में 1 घंटा पूरी गया। तो आज मैंने 1 घंटा का ब्लॉग बना दी खूब। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक। रुक जा, बंद कर, उन्होंने बोलना हमको, मैं बंद कर रही हूं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो बाय गाइस।